अंशुल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। रामनगर प्रखंड के महुई पंचायत के नोगाटोला वार्ड नंबर 10 में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मोहम्मद गुलफाम के घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मोहम्मद गुलफाम ने बताया कि रात के समय 12 बजे घर में घुसकर चोरी करने क्रम में चोर ने आग लगा दिया। आवाज सुनकर चोर भागने में सफल रहे। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि रूपम पांडे ने बताया कि मोहम्मद गुलफाम के घर में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई और अंजला अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हमारे टीम जा रहा है, उसके बाद देखकर कुछ करेंगे। चोर ने भागते समय घर में मिट्टी तेल गिराकर आग लगाकर भागने में सफल रहा। पंचायतों में चुनावी को लेकर पंचायत में दहशत का माहौल बना। आग लगने से पंचायत में दहशत का माहौल बना हुआ है। जनता का डर हो चुका है कि पंचायत में क्या होगा, कभी चोरी हो रही है तो कभी शांति भंग। महुई पंचायत की जनता क्या होगा, जो कि दहशत का माहौल बना हुआ है। रामनगर थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा के नेतृत्व में महुई पंचायत के नोगा टोला वार्ड नंबर 10 में ASI अरुण कुमार सिंह ने जाकर जायजा लिया। मौके पर शेख रऊफ मोदीन बैठा, शेख अतुलहा, शेख हासिफ हसमुलाह बैठा और शेख नौशाद, शेख गुड्डू मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। कैसे आग लगा है? आग सर कोई लगा के भागा है तब हम लोग समझे हैं कि कोई भाग रहा है, तब उसके बाद हम लोग दौड़ के गए। कितने बजे लगा है? 12:30 में। 12:30 बजे जी। कितना का क्षति हुई है? लगभग 3-4 लाख रुपया, उसमें गहना भी था और थपड़ा था, सब कुछ था। आप देखिए लिए हैं कि कितना मैंने नुकसान हुआ है, बहुत कुछ उसमें से सामान भी गया है और जितना बचा हुआ था कम्बल वम्बल जितना था उसमें आग लगा दिया गया है, माटी तेल डाल के। अच्छा, संकाल में पहली घटना 10 नंबर वार्ड में हुई है, जो कि ये घटना भोर से तालुकात रखती है। कैसे सूचना मिला आपको? ये मुखिया मैं नहीं जीता हूँ, इन्होंने मुझे लड़ाया है और 3 बार लड़ाया है, इसीलिए इनको ये प्रताड़ना की जा रही है। तो क्या इनको आश्वासन दिया जा रहा है आपका तरफ से? मेरे तरफ से यही आश्वासन रहेगा कि कानून का सहारा लेना है, कानून जो करेगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ।